हाय एवरीवन, टीपी लिंक टेथर ऐप ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे राउटर का SSID और पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में आप अपने वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद आप अपना टेथर ऐप ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, आप जिस भी राउटर से कनेक्ट रहेंगे उस राउटर का मॉडल नंबर और उसका मैक दिया रहेगा, आपको इस पर टैप कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है। आप अपने राउटर का जो भी यूजर नेम और पासवर्ड रखते रहेंगे वो इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम अपने राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। जब भी आपका राउटर लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे बैंड वाइज आपके राउटर का SSID दिया गया है। इसका मतलब जो मेरा राउटर है वो डुअल बैंड है। आपको जिस भी बैंड का SSID और पासवर्ड चेंज करना है उस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क नेम दिया गया है और नीचे आप देखेंगे पासवर्ड दिया गया है। तो जो भी आप अपने राउटर का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और नीचे जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आप देखेंगे ओके के लिए पूछा जा रहा है। आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके राउटर का नाम और पासवर्ड चेंज होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपका राउटर मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए हम राउटर को फिर से रिकनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज किए थे। तो चलिए राउटर को रिकनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID शो कर रहा है, इस पर आपको टाइप कर लेना है। और फिर आप अपने राउटर का नया पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेंगे। राउटर का पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। चलिए टेथर ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको IM कनेक्टेड पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज हो गया है। सेम ऐसे ही 5 GHz बैंड का जो SSID और पासवर्ड है आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से टेथर ऐप की सहायता से आप अपने राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।